ये बताएं, शेख हसीना को असाइलम देना या न देना, इसका इस फैसले का वहां असर होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? शेख हसीना का यहां हॉल्ट लेना और उसी के रिएक्शन में वो जो आज माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, अगर ये असाइलम बढ़ता है, ये हॉल्ट अगर बढ़ा तो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा बांग्लादेश में क्या? देखिए, दोनों अलहदा हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वहां जो माइनॉरिटीज पर हो रहा है वो कोई आज शुरू हो गया या कल शुरू हो गया ऐसा तो है नहीं, वो हमेशा से था। और एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ की सोसाइटी में था, वो इस बात को डिटेस्ट करता था कि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सक्रिय हैं, वहाँ के मुख्य धारा में हैं। और इसीलिए ये बात कहना कि उनके एग्ज़िट से उनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से मिसरीडिंग हो जाएगा। मैं अभी जनवरी में वहाँ इलेक्शंस कवर करने जब गया था तो मैंने इस बात को महसूस किया था। वहाँ देखिए, ढाकेश्वरी मंदिर है जिनके नाम पर, शहर का नाम ढाका है, और वहाँ पर आसपास जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनसे मुलाकात हुई, तो वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा, और आए दिन घटनाएं मारपीट की, उनके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की होती रहती थी। शेख हसीना के होने के बावजूद ये सब हो रहा था। देखिए, सब कुछ कल तक लग रहा था कि ऑर्गेनिक है, वहाँ स्वतः स्फूर्त अचानक से लोग, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स आ गए हैं और उन्होंने कर दिया है, जिन्हें ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा से वहाँ पर एक तैयार फोर्स थी जो कि तब तक शांत थी जब तक वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस शेख हसीना के साथ थी, और जैसे ही ये ख़त्म हुआ उनका एक जो प्रोटेक्शन था वैसे ही वो चले आए, चढ़ गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुआ कैसे, फिर किसने उनको कहा कि अब आप उनको प्रोटेक्शन करना छोड़ दीजिए? और यहीं पर भूमिका आती है बिग पावर गेम्स जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। कोई तो है अदृश्य ताकत जो ये सब करवा रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर इस बात को जरा जोड़ कर देखिए कि अचानक से वीज़ा रिवोक हुआ है, जो वीज़ा उनका ऑलरेडी था अमेरिका का, वो रिवोक किया गया है। देयर हैज बीन अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कि नहीं, इनको नहीं आने देना है। और अगर अमेरिका ने कुछ किया है तो इसका मतलब गरिमा सीधा है कि यूके भी वही करेगा। यूके ने एक बड़ा टका सा जवाब दे दिया है और उनकी तरफ से ये आया है कि नोबडी ट्रैवल्स टू यूके एंड देन सीक्स असाइलम। अगर कोई वहाँ पहुँच गया है मान लीजिए, तो फिर वो मांगता है और फिर उसके बारे में विचार होता है। लेकिन आप किसी और कंट्री में हैं और वहाँ से आप यूके का पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं, तो उस तरह की हमारी प्रथा नहीं है। यू शुड सीक असाइलम इन द कंट्री वेयर यू आर इन, व्हिच मींस दैट आपको भारत में ही लेना, यानी कि प्रैक्टिकली दोनों ने मना कर दिया। सूरत हाल दिख रहा है कि ब्रिटेन नहीं देगा, अमेरिका नहीं देगा, और जैसा गुरजीत जी ने संभावना जाहिर की कि ये लॉन्ग स्टे भी हो सकता है, इट वोंट बी अ शॉर्ट स्टे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब कल से आज तक में, कल उन्होंने मुलाकात की थी एनएसए ने, आज तो किसी ने मुलाकात नहीं की, चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। अब यहाँ पर भारत का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? देखिए, इस बात को महसूस करिए कि भारत के अपने स्टेक्स हैं उस देश में। हम कितना भी प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाएं, सेंटिमेंटलिज्म जो है बांग्लादेश के साथ वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वहाँ पर एक भारतीय मूल के लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। सेंटीमेंट की, लेकिन संजीव जो आप बात कर रहे हैं, गुरजीत जी,